माननीय सरदार यहाँ पर उपस्थित युवा साथियों, मातृशक्ति में प्यारे अजीज बच्चों, मैं आप सबको होली मिलन समारोह के कार्यक्रम के जो आयोजक हैं आदरणीय बड़े भाई कुलदीप तेवतिया जी, उनकी तरफ से और सभी उपस्थित सम्मानित सरदारों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि होली और धूलेंडी का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, क्योंकि होली का त्यौहार कोई एक या दो दिन का त्यौहार नहीं था। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि लगभग 40 दिन के ये कार्यक्रम हुआ करते थे। लगभग 40 दिन आपस में, जब मनोरंजन के साधन नहीं थे पुराने समय में, ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना और कोई साधन था, तो बड़े बुजुर्ग अपने इतिहास के बारे में, चाहे वो चौपाई के माध्यम से या जिक्रियों के माध्यम से या रागनियों के माध्यम से, आने वाली युवा पीढ़ी को अपने इतिहास से अवगत कराते थे। और इतिहास जो सुनते थे उसका आनंद भी आता था। आज सब इस आधुनिक युग में सबके पास समय का अभाव है, चाहे कोई रागनी सुननी हो, चौपी सुननी हो, या इतिहास सुनना हो, सबके जेब में रखा रहता और सब अपने कार्यक्रम में सब व्यस्त है, विदाउट वर्क बिजी है, किसी के पास कोई काम नहीं लेकिन फिर भी बिजी है। तो मैं तो भाई कुलदीप जी को और सम्मानित सरदारी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो इतिहास की पुनरावृत्ति ये कर रहे हैं। अभी जितने भी हमारे चौपी के गायक कलाकार हैं, इन्होंने एक जिक्री के माध्यम से पहली गली में गौ हत्या, जो गौ हत्या हो रही है उस पे कटाक्ष किया, फिर भ्रूण हत्या पे कटाक्ष किया, फिर दहेज पे कटाक्ष किया। और भ्रूण हत्या भी हमारे सबसे बड़े श्राप का काम भी है। हमारी सरकार की एक प्राथमिकता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार ने दे रखा है, और बेटियों के लिए आज सारी सुविधाएं सरकार मुहैया भी करा रही है। तो चौपियों के माध्यम से, रागनियों के माध्यम से और जिक्रियों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी भी मिलती है। और युवा साथी यहाँ पे खड़े हैं, नशा के बारे में सबसे ज्यादा कटाक्ष किया कि नशा के बिगड़े हुए बालक या जो परिवार नशा के अंदर गया वो सारा विनाश की तरफ है। तो सभी माताएं बहनें यहाँ पर, नौजवान भी उपस्थित हैं, हमारे परिवार में खुशियों का अगर कोई साधन, सबसे बड़ा साधन है, तो सबसे अंदर गरीबी अमीरी एक प्रक्रिया है, लेकिन जिस परिवार के अंदर नशा है वो सबसे ज्यादा परेशान रहता है। वहां पे माताएं बहनें बेटी वो बहुत ही परेशानी महसूस करती है। मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन भी है कि सभी युवा साथी, इस नशा मुक्त का एक नारा था कि नशा से दूर रहे, और अपने बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें संस्कृति बना करके दी, अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने कार्य करते हैं। जैसा कि अभी मैं पिछले हफ्ता भी कोंडल के अंदर आया, शेट्टी साहब के वहां पे कार्यक्रम हुआ, कुछ विकास कर रहे थे, कुछ के नारियल फोड़े गए और कुछ पे काम शायद पूरा भी हो चुका है, जो अधूरे रह रहे हैं उन पे काम शुरू हो जाएगा। 3-4 मांग अभी शेट्टी साहब ने रखी, एक नाले की बात कही गई, एक घाटी वाले